फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपसे मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो पुरानी सारी रीयूज करते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आप ओल्ड सारी रीयूज का राइट डिसीजन ले पाएं और आपका मटेरियल एंड कॉस्ट दोनों वेस्ट न हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी साड़ी के फैब्रिक की क्वालिटी के बारे में। अगर आपकी साड़ी काफी पुरानी है या आपने उसको काफी टाइम से पैक करके रखा हुआ है, तो उसके फैब्रिक की स्ट्रेंथ पर जरूर ध्यान दें। साड़ी कहीं से फटी है या नहीं, आप वो चेक कर लें। ज्यादातर सिल्क साड़ीज में आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी कि वो बहुत टाइम से रखे रखे कहीं ना कहीं से फट जाती है, तो इसका मतलब है कि उसका फैब्रिक कमजोर हो चुका है। तो अगर आपकी पुरानी साड़ीज की ऐसी कंडीशन है तो आप उन्हें बिल्कुल भी रीयूज नहीं करिए, वरना जो आपका न्यू आउटफिट बनेगा वो ज्यादा नहीं चल पाएगा, या हो सकता है स्टिचिंग के टाइम ही वो फट जाए, तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर आपकी पुरानी साड़ी का फैब्रिक कमजोर है तो उस पर कोई भी आप हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं करवाना। मतलब है कि न्यू आउटफिट के डिजाइन के हिसाब से आपको कहीं पर एम्ब्रॉयडरी करवानी पड़ रही है, तो ये ध्यान देना कि साड़ी का फैब्रिक स्ट्रांग हो, वरना एम्ब्रॉयडरी का वेट फैब्रिक नहीं ले पाएगा और वो कहीं ना कहीं से फट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पुरानी साड़ीज पर हो रही एम्ब्रॉयडरी के बारे में। अगर आपकी पुरानी साड़ीज की एम्ब्रॉयडरी के तार कहीं ना कहीं से निकल रहे हैं या स्टोन्स निकल रहे हैं, मतलब आपको दिख रहा है कि आपके एम्ब्रॉयडरी की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसी साड़ीज को रीयूज करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि फिर जो न्यू आउटफिट है उसमें उतना अच्छा फिनिशिंग लुक नहीं आएगा। और आपकी साड़ी पर हो रही एम्ब्रॉयडरी या हैंडवर्क ओल्ड फैशन की है और आपको पता है कि ऐसी एम्ब्रॉयडरी अब किसी भी आउटफिट पे नहीं देखी जाती, तो ऐसी साड़ीज को रीयूज नहीं करिए, वरना आपका न्यू आउटफिट कितना भी अच्छा हो, ओल्ड फैशन एम्ब्रॉयडरी की वजह से आपके न्यू आउटफिट का लुक पूरा खराब हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपकी पुरानी साड़ी पर कोई बॉर्डर लगा हुआ है तो आप उसकी कंडीशन पर ध्यान दें। अगर उस बॉर्डर के धागे या तार नहीं निकल रहे हैं या उस पे लगे हुए स्टोन्स नहीं निकल रहे हैं, तो आप उस बॉर्डर को कोई भी न्यू आउटफिट पे रीयूज कर सकते हो या फिर उस साड़ी को आप रीयूज कर सकते हो। और मान लीजिए आपकी पुरानी साड़ी की कंडीशन अच्छी है और उस पे हो रहे वर्क की भी कंडीशन अच्छी है, पर जो साड़ी पे बॉर्डर लगा है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो अगर वो बॉर्डर निकल सकता है तो आप उसे निकाल दें और साड़ी को रीयूज कर लें। वैसे ही अगर आपके साड़ी का जो बॉर्डर है उसकी कंडीशन अच्छी है पर साड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप उस बॉर्डर को निकाल कर न्यू आउटफिट पर यूज कर सकते हैं, तो आप उसे फ्यूचर यूज के लिए बचाकर रखें और साड़ी को रीयूज नहीं करिए। नेक्स्ट, ओल्ड साड़ी रीयूज से रिलेटेड हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देना है। हमें ये कैलकुलेट करना है कि क्या पुरानी साड़ी में पैसा इन्वेस्ट करना वर्थ है कि नहीं। मतलब अभी जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि फैब्रिक की क्वालिटी चेक करें, एम्ब्रॉयडरी और बॉर्डर की क्वालिटी चेक करें, तो ये सब पॉइंट्स पर तो हमें ध्यान देना ही है, पर साथ में ये भी देखना है कि पुरानी साड़ी को रीयूज करने में अगर बहुत ज्यादा मेहनत और कॉस्ट लग रही है, तो मेरा सजेशन है कि आप एक पुरानी साड़ी में इन्वेस्ट न करके नया फैब्रिक और मटेरियल लाकर एक नया आउटफिट बनवाओ। कई बार कुछ साड़ीज को रीओपन करने में एक कारीगर को बहुत टाइम लगता है। जैसे अगर साड़ी पे दो तीन तरह के बॉर्डर हैं तो पहले उन्हें रीओपन करो, और अगर साड़ी पर बूटी लगी है और वो ओपन हो सकती है तो पहले उन्हें निकालना पड़ता है, या फिर कई बार साड़ीज पे इस तरह का वर्क होता है कि कारीगर को कटिंग करने में टाइम लग रहा है, तो ऐसे में स्टिचिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कारीगर को एक आउटफिट बनाने में जितना टाइम लगेगा उतना कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो ओल्ड साड़ीज में पहले उन्हें पूरा रीओपन करो, फिर कटिंग, फिर स्टिचिंग, फिर वापस से बॉर्डर लगाओ, बूटी लगाओ, तो ये काफी लंबा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। मैंने रिसेंटली ये फ्रंट स्लिट स्टाइल का अनारकली कुर्ता बनाया था एक क्लाइंट के लिए उनकी पुरानी नेट साड़ी से। ये साड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में थी पर काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसमें दो तीन तरह के बॉर्डर्स थे, बूटियां थी। आउटफिट अल्टीमेटली बहुत अच्छा बना पर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि इस साड़ी को रीओपन करने में मेरे कारीगर को काफ़ी टाइम लगा, तो इस आउटफिट की कॉस्ट बढ़ गई थी, पर क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो मैंने इस ऑर्डर पर काम किया। तो मेरा सजेशन है कि आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न की साड़ीज को रीयूज नहीं करिए,
बल्कि थोड़ी सिंपल पैटर्न की साड़ीज को रीयूज करिए। जैसे प्लेन या बॉर्डर वाली साड़ीज हो गई या बहुत लाइट वेट वर्क वाली साड़ीज हो गई जिसमें पता है कि कटिंग इजीली हो जाएगी, बाकी तो आपका डिसीजन है। अगर आपकी साड़ी की क्वालिटी काफी अच्छी है और आपको पता है कि इस साड़ी से बहुत अच्छा आउटफिट बन जाएगा जो लंबा चलेगा, तो आप थोड़ा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओल्ड साड़ी से जब हम न्यू आउटफिट का पैटर्न और डिजाइन डिसाइड कर रहे हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि साड़ी पर किस टाइप का प्रिंट हो रहा है या किस टाइप के एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रहा है। मतलब अगर साड़ी पर इंडियन पैटर्न के एम्ब्रॉयडरी हो रही है, वर्क हो रहा है, जैसे कुंदन हो गया, नग या जरी, तो ऐसी साड़ी से आप इंडियन आउटफिट्स ही बनवाइए या फिर आप इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स बनवाइए, वरना मिसमैच हो जाएगा और न्यू आउटफिट का लुक पूरा खराब हो जाएगा। वैसे ही सेम रूल प्रिंट्स पर भी अप्लाई होता है। कुछ प्रिंट्स होते हैं जो इंडियन पैटर्न के होते हैं, जैसे कैरी स्टाइल के प्रिंट्स हो गए जिन्हें आप पेजलीज बोलते हैं, या फिर कुछ ब्लॉक प्रिंट्स हो गए, तो ये सब पैटर्न थोड़े इंडियन स्टाइल के होते हैं, तो ऐसे में आप इंडो वेस्टर्न या इंडियन आउटफिट्स ही बनवाइए। और साड़ीज का प्रिंट या एम्ब्रॉयडरी वेस्टर्न स्टाइल की है, जैसे फ्लोरल प्रिंट्स हो गए या ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स या सीक्वेंट वर्क हो रहा है या स्टोन वर्क हो रहा है, तो ऐसे में वेस्टर्न आउटफिट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। मेरा लास्ट वीडियो इसी टॉपिक पर था जिसमें मैंने आइडियाज दिए थे कि किस पैटर्न की साड़ीज में कैसे आउटफिट्स बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, आप बाद में उस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे। तो साड़ीज के पैटर्न के हिसाब से ही हमें आउटफिट्स के डिजाइन डिसाइड करने चाहिए। वैसे ही पुरानी साड़ीज का फैब्रिक कैसा है उसी के हिसाब से आप न्यू आउटफिट का डिजाइन फाइनल करिए। मतलब अगर पुरानी साड़ी का फैब्रिक सॉफ्ट और फॉलिंग मटेरियल है तो धोती स्टाइल के पैंट्स हो गए या फिर गैदर स्टाइल की ड्रेसेस हो गई या फ्लोई गाउन्स या ड्रेप स्टाइल की ड्रेसेस, इन सब पैटर्न की ड्रेसेस आप बनवा सकते हैं। ऐसे में न्यू आउटफिट्स में बहुत अच्छा ग्रेस आएगा। और अगर साड़ी का फैब्रिक स्टिफ है या थोड़ा मोटा है, तो लहंगा हो गया या लॉन्ग या शॉर्ट जैकेट्स हो गए, पैंट्स हो गए, स्ट्रेट या ए लाइन कुर्ताज हो गए या कुछ कुछ में अनारकली कुर्ताज, तो ये सब पैटर्न के आउटफिट्स बहुत अच्छे लगेंगे। तो बेसिकली मेरा समझाने का ये मतलब था कि स्टिफ फैब्रिक की साड़ी से मान लीजिए अपने धोती स्टाइल की पैंट्स बनवा ली, तो आप इमेजिन करिए वो कितना बेकार लगेगा, उसमें बिल्कुल भी अच्छा फॉल नहीं आएगा, वो थोड़े फूले फूले स्टाइल के पैंट्स बनेंगे और पूरे आउटफिट का लुक बेकार हो जाएगा। एक अच्छा और परफेक्ट आउटफिट बनाने के लिए सबका राइट कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राइट टाइप ऑफ फैब्रिक, राइट एम्ब्रॉयडरी, राइट ट्रिमिंग्स या राइट टाइप ऑफ डिजाइन सिलेक्शन, तभी एक आउटफिट परफेक्ट बनता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सब टिप्स काफी हेल्प करें ओल्ड साड़ी रीयूज में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।